आपके लिए पैकेज के लिए कुछ क्वेश्चन भी है, उनको आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आप यकीन कर सकें और आपको भी समझ में आ सके कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जब हम बात करते हैं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट की, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो सामान सेल किया है इंस्टॉलमेंट पर, उस पर आपका प्रॉफिट कितना है। तो ये प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते, इसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? इसको डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं कि ये प्रॉफिट अभी तक हमने कलेक्ट नहीं किया, ना ये अनकलेक्टेबल होता है, अभी तक हमने ऑन जो है अभी तक हमने रिसीव नहीं किया होता। अब कब रिसीव होगा? जब कैश कलेक्शन होगी। तो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, चले आए एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा है मिस्टर नोमान सेल्स एलसीडी ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। मिस्टर नोमान एलसीडी बेच रहे हैं इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर। During the month, इस महीने में he sold one LCD, उसने एक LCD बेची है और उसकी प्राइस कितनी है? 1,50,000 ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। आपने लिखा सॉल्यूशन और सवाल में डेटा दिया है, तो लिखेंगे। आपने लिखा इंस्टॉलमेंट सेल्स कितनी है आपके पास? 1,00,000। फिर आपने कहा कॉस्ट ऑफ द एलसीडी इज रुपीज 80,000। आपने कहा कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स और वो कितना है? 80,000। आपको बोल रहे हैं फाइंड डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। आपको क्या मालूम करना है? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ये मालूम करना है, और क्या मालूम करना है? परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये दो चीजें आपको मालूम करनी है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे देखते हैं। आपने सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला आपके पास है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट बराबर है इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। अब इंस्टॉलमेंट सेल्स आपके पास सवाल में दी हुई है 1,00,000 रुपए, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स आपके पास दी है 80,000। तो यूं डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ गया है कितना? शाबाश, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 20,000 आ गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। आपने कहा इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने क्या किया? आपने कहा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000, इंस्टॉलमेंट सेल्स की अमाउंट है 1,00,000, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने मुझे बताना है इसका आंसर क्या है, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो ये